आज मैं आप लोग को बतलाऊंगा गेंदा के फूल से किसी भी स्त्री को आप कैसे अपने वश में कर सकते हैं। ये बहुत ही शक्तिशाली पावरफुल ये वशीकरण टोटका है। आज तक किसी ने भी आपको यह टोटका नहीं बतलाया होगा। अगर आप किसी भी लड़की को अपने वश में करना चाहते हैं, वो भी एक गेंदा के फूल के माध्यम से, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि एक फूल से आप किसी भी स्त्री को कैसे आप अपने वश में कर सकते हैं। आप कहीं भी रहिए और किसी भी स्त्री को आप अपने वश में हमेशा हमेशा के लिए कर लीजिए। ये बहुत ही पावरफुल या शक्तिशाली स्त्री वशीकरण टोटका है। आज तक किसी ने भी आपको नहीं बतलाया होगा। तो आइए हम बतलाते हैं कि एक फूल से कैसे हम किसी भी स्त्री को अपने वश में करेंगे। अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल घंटी को दबा दीजिए, ताकि हम इस प्रकार के जितने भी वीडियो बनाएंगे सबसे पहले आप ही के पास में जाएगा। सबसे पहले आपको रविवार के दिन एक गेंदा का फूल लाना है। उसके बाद में आपको क्या करना है कि एक मंत्र है, उस मंत्र को इस फूल के साथ अभिमंत्रित करना है 108 बार। उसके बाद में यह फूल सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद में इस फूल को किसी भी लड़की के ऊपर इसको तोड़ करके फेंक दे या किसी भी बहाने उसको सुंघा दे। बस 12 घंटे के भीतर में वो लड़की आपके वश में हो जाएगी। रात दिन आप ही के बारे में सोचिएगी, आप उसको जो बोलिएगा वो वही करेगी, आपके प्यार में एकदम पागल हो जाएगी। ये बहुत ही पावरफुल शक्तिशाली स्त्री वशीकरण टोटका है। आज तक जिसने भी किया है उसका कार्य जरूर 100% सफल हुआ है। तो आइए बतलाते हैं कौन सा मंत्र है। मंत्र इस प्रकार से, इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। मंत्र इस प्रकार से है, ध्यान से देखिएगा। ओम अमुक, ओम नमो। ध्यान से मंत्र को देखिएगा और याद कर लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। वाइस सुनवे झा टीति आकर्ष आकर्ष स्वाहा। यह मंत्र है और अमुक के जगह पर आपको उस स्त्री का नाम लेना है, उस लड़की का नाम लेना है जिसको कि आप अपने वश में करना चाहते हैं। जैसे कि लड़की का नाम है यहाँ पे नीलम, तो यहाँ पे नीलम लिखेंगे मंत्र में। यहाँ पे नीलम रखेंगे नाम। उसके बाद में मंत्र देखिए कैसे इसको सिद्ध करना है। अपने हाथ में इस प्रकार से इसको लेना है। उसके बाद में ये जो मौली होता है, जो रक्षा सूत्र होता है, इसको भी क्या करेंगे, इसके ऊपर इस प्रकार से लपेट देंगे। लपेटने के बाद में आपको क्या करेंगे, अपने हाथ में इस प्रकार से रखना है और इस प्रकार से आपको करना है। ओम नीलम, ओम नमो वायु सुनवे झटेती आकर्ष आकर्ष स्वाहा। और उसके बाद में इस फूल पे एक बार फूंक मार देना है। इस तरह से आपको 108 बार करना है, यह फूल सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद में इस फूल को किसी भी लड़की को सुंघा दीजिए या इसको तोड़ करके उसके शरीर पे फेंक दीजिए। वह एक दिन के भीतर में ही आपके वश में हो जाएगी। आप उसको जो बोलिएगा वह वही करेगी। मैं आप लोग से हाँ जोड़ूंगा, अगर किसी से आप सच्चा प्यार करते हैं तभी इसका प्रयोग कीजिए, नहीं तो इसका प्रयोग नहीं कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही शक्तिशाली स्त्री ये वशीकरण टोटका है। क्योंकि इसको करने के बाद में लड़की एकदम आपके प्यार में पागल हो जाएगी, आपके बिना एक पल भी नहीं रह पाएगी। इसलिए सोच समझ के भी इसका प्रयोग कीजिएगा। धन्यवाद।